परमात्मने नमः, हरये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्लोक 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12। श्लोक 7। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं, तेषां भेदमिमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं, तेषां भेदमिमं शृणु। श्लोक 8। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः, रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या, आहाराः सात्विकप्रियाः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः, रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या, आहाराः सात्विकप्रियाः। श्लोक 9। कट्वम्ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः, आहाराराजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। कट्वम्ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः, आहाराराजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। श्लोक 10। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत्, उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियं। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत्, उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियं। श्लोक 11। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते, यष्टव्यमेवेति मनः, समाधाय स सात्विकः। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते, यष्टव्यमेवेति मनः, समाधाय स सात्विकः। श्लोक 12। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्, ईज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्, ईज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। श्लोक 7-8। अर्थ। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय, ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। श्लोक 9-10। अर्थ। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और
दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गंधयुक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा पवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। श्लोक 11 एवं 12। अर्थ: जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान।